सिनेमैटिक सीक्वेंस। अगर आपको सिनेमैटिक सीक्वेंस बनाना आ गया तो आपको 80% वीडियो को एडिट करना आ गया। सिनेमैटिक सीक्वेंस आपने कैसे बनाना है अपने फोन के अंदर VN ऐप यूज करके, और मेरे पास आए काफी सारे कमेंट्स कि आपने इस वाली वीडियो को कैसे एडिट किया है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कि जो कि सभी करते हैं स्टार्टिंग टाइम के अंदर, कि वो चेक नहीं करते कि स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर और मीडियम पॉइंट के अंदर और एंडिंग पॉइंट के अंदर कहाँ पे कौन सा सीन हमें लगाना है और किस तरीके से हमने एक परफेक्ट सिनेमैटिक सीक्वेंस को बनाना है। और जो भी आपके दिमाग के अंदर डाउट्स आ रहे हैं कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूं और मुझे बनानी एक परफेक्ट रील और मुझे बनानी एक कमाल की सिनेमैटिक वीडियो, और यहां पे मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग और कमाल की हमारी आज की ये वीडियो होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे VN ऐप के अंदर, और सबसे पहले आपने अपनी VN ऐप को अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद ही फिर ही आपने वीडियो को एडिट करना है। और सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से प्लस वाले साइन के ऊपर, और मैं यहाँ से जाऊंगा न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ये वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला सीन, ठीक है। और मैं यहाँ से आऊंगा नीचे और यहाँ से क्लिक करूंगा एरो के ऊपर। और जब भी आपने वीडियो को एडिट करना है तो सबसे पहले आपने उसका ऑडियो म्यूट करना है, ऑडियो की बोलती बंद करनी है। तो मैं नीचे आऊंगा और मैं यहाँ से जाऊंगा वॉल्यूम के ऊपर, और मैं यहाँ से करूंगा जीरो पे, ठीक है, और यहाँ से करूंगा ओके। और यहाँ पे फिर आपने सेलेक्ट करना है सीन का अच्छा वाला पार्ट, कि जहाँ से आपका सीन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके आपका सीन खत्म हो रहा है, तो वहाँ से आपने एक पार्ट सेलेक्ट करना है कि जो कि आपके सीन का अच्छा वाला पार्ट है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं कट लगाऊंगा। तो कट लगाने के लिए नीचे आऊँगा स्प्लिट के ऊपर, और मैं यहाँ से लगाऊंगा एक कट को, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, और मैं थोड़ा सा आऊँगा आगे, और आगे आके लाइक की, ठीक है, यहाँ तक आके मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट। सो यहाँ पे कट को लगाने के लिए मैं नीचे आऊँगा स्प्लिट के ऊपर, और यहाँ से करूँगा स्प्लिट के ऊपर क्लिक, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, और इस वाले पार्ट को भी मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट। और फिर हम यहाँ पे करेंगे अपने म्यूजिक को इम्पोर्ट, और म्यूजिक को इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपका म्यूजिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि जो कि कनेक्ट कर पाए आपकी ऑडियंस के साथ, उनके दिल से यहाँ तक। और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक के ऊपर, ठीक है, और मैं यहाँ से जाऊँगा म्यूजिक के ऊपर, और यहाँ पर मेरा फोल्डर है माय म्यूजिक करके, मतलब कि मेरा म्यूजिक, ठीक है, और इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, और इस वाले म्यूजिक को मैंने डाउनलोड किया एपिडेमिक साउंड से, और मैं यहाँ से करूँगा अपने म्यूजिक को इंपोर्ट लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपने अपने म्यूजिक को इंपोर्ट करना है टाइमलाइन के ऊपर, तो उससे पहले आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है फेड इन और फेड आउट। तो मैं यहाँ से आऊँगा फेड इन के ऊपर, और फेड इन के अंदर आके मैं इसको यहाँ से करूँगा एटलीस्ट 4 सेकंड के ऊपर, और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा फेड आउट के ऊपर, और इसको यहाँ से करूँगा एटलीस्ट 4 सेकंड के ऊपर, और इसको यूज करके सेट करके फिर ही आपने अपने म्यूजिक को इंपोर्ट करना है VN की टाइमलाइन के ऊपर लाइक कुछ ऐसे करके। सो अब यहाँ पे होती है हमारी मेन गेम स्टार्ट, और मैं यहाँ पे प्ले करूंगा ऑडियो को, और बिल्कुल ध्यान से सुनना बीट्स को कि कहाँ पे कौन सी बीट आ रही है और कहाँ पे कौन सी बीट चेंज हो रही है, और मैं ऐसे करता हूँ ऑडियो को प्ले। अब यहाँ पे एक बीट आई है, मतलब कि ऐसे करके, मैं फिर से सुनाता हूँ आपको, ऐसे करके एक बीट आ रही है, और यहाँ पे हम करेंगे अपने सीन को चेंज। और यहाँ पे सीन को चेंज करने से पहले, और यहाँ पे आपने करना है अपने वीडियो क्लिप को स्लो मोशन में कन्वर्ट। सबसे पहले आपने नीचे आना है स्पीड के ऊपर, और स्पीड के ऊपर जाके आपने ऐसे आना है रेगुलर के ऊपर, और रेगुलर के अंदर आके आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वैल्यू को आपने यहाँ से रखना है एटलीस्ट 0.5x के ऊपर, और मैंने यहाँ से वैल्यू को सेट कर दिया 0.5x के ऊपर, और सिंपली आपने यहाँ से करना है डन। और मुझे लग रहा है कि हल्की सी स्पीड, मतलब कि ज़्यादा स्लो हो गई है, तो मैं यहाँ से करूँगा एटलीस्ट 0.6x के ऊपर, या फिर 0.7x के ऊपर, तो मैं यहाँ से करूँगा ओके, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपने ध्यान से सुनना है, नोटिस करना है कि कहाँ पे आपकी बीट चेंज हो रही है म्यूजिक के अंदर, और मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे हमारी बीट चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट को, और यहाँ से आपने क्लिक करना है स्प्लिट के ऊपर, और यहाँ से आपने लगाना है कट को लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपने यहाँ से करना है डिलीट, और फिर आपने इंपोर्ट करना है अपने नेक्स्ट सीन को, और फिर आपने जाना है प्लस वाले साइन के ऊपर, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ये वाला सीन, और इसको मैं यहाँ से करूंगा टिक, और सिंपली डन। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा वीडियो को, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट को, और कट को लगाने के लिए
मैं नीचे आऊँगा स्प्लिट के ऊपर और मैं यहाँ से लगाऊँगा कट को, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कर दूँगा डिलीट, ठीक है। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो कट को लगाने के लिए नीचे आऊँगा स्प्लिट के ऊपर और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कर दूँगा डिलीट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इतना पार्ट रखना, और फिर मैं यहाँ से लगाऊँगा कट को, ट्रिम करूँगा यहाँ से वीडियो को। तो सिंपली मैं जाऊँगा स्प्लिट के ऊपर और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, और इसको मैं यहाँ से करूंगा स्लो मोशन में कन्वर्ट। तो स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने नीचे आना है स्पीड के ऊपर, और स्पीड के ऊपर आके आपने करना है यहाँ से क्लिक, और फिर जाना आपने रेगुलर के अंदर, और फिर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है वैल्यू को 0.7x के ऊपर, लाइक कुछ ऐसे करके। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कमाल का हमारा स्लो मोशन यहाँ पे बन के आ रहा है। और मैं सिंपली यहाँ से करूँगा डन, और सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और प्ले करूँगा ऑडियो को वीडियो के साथ, और चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारी जो बीट है वो चेंज हो रही है। और मैं यहाँ से करूँगा प्ले वीडियो को, और यहाँ पे एक और बीट आई है, मैं फिर से आपको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो, ऐसे करके एक बीट आ रही है, मतलब कि ऐसा कुछ पंच सा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कट को, तो कट को लगाने के लिए सिंपली आप नीचे आना है स्प्लिट के ऊपर, जहाँ पे आपको दिख रही है कैंची, ठीक है। तो यहाँ से हमने करना है ट्रिम, और इस वाले पार्ट को आपको यहाँ से करना है डिलीट। सो अब मैं यहाँ पे कुछ सीन्स को लगाता हूँ फटाफट, नहीं तो हमारी वीडियो यहाँ पे लेंथी हो जाएगी, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे का नेक्स्ट पार्ट कि जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने सीन्स को लगा दिया, और यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और मैं यहाँ से करता हूँ प्ले हमारी वीडियो को ऑडियो के साथ। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, मतलब कि सीन्स अच्छे हैं और वेरिएशन अच्छी आ रही है, पर एंड वाले सीन के अंदर कुछ मिसिंग है। गैस करो कि वहाँ पे क्या मिसिंग है। और यहाँ पे आपने ऐड करना है मसाले को, और वीडियो के अंदर मसाले को आपने कैसे ऐड करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है ट्रांजिशंस को, और आपने लगाने हेडफोन्स, और हेडफोन्स लगा के आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे दो बीट्स आ रही हैं। और मैं यहाँ पे आके करता हूँ वीडियो को प्ले, और मैं यहाँ से फिर से आपको सुनाता हूँ। दो बीट्स आ रही हैं, और दो बीट्स के अंदर कुछ सेकंड्स का गैप है। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट, तो कट लगाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कट, तो कट लगाने के लिए मैं सिंपली आऊंगा नीचे स्प्लिट के ऊपर, ठीक है। और जैसे आप लगाओगे कट को, तो कट लगाने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा प्लस वाला साइन, और प्लस वाले साइन के ऊपर आपने करने यहाँ से क्लिक, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ट्रांजिशंस की, जिसको आप यूज करके एक मसाला ऐड कर सकते हो वीडियोस के अंदर। और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा व्हाइट वाली ट्रांजिशन को, और यहाँ पे आके मैं यहाँ से करूंगा इसकी वैल्यू को सेट, और इसकी ड्यूरेशन को मैं यहाँ से करूंगा एटलीस्ट 0.3 सेकंड के ऊपर, लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है। और मैं यहाँ से करूंगा सिंपली डन, और मैं यहाँ से करूंगा वीडियो को प्ले फिर से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीट के साथ हमारा एक वाइट इफेक्ट, वाइट ट्रांजिशन हमारी बन के यहाँ पे नजर आ रही है। और अब यहाँ पे हमने जिस तरीके से यूज किया है इस वाली ट्रांजिशन को, तो सेम ट्रांजिशन को मैं यहाँ पे लगाऊंगा नेक्स्ट बीट के ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ से करूंगा प्ले वीडियो को ऑडियो के साथ, और अब यहाँ पर फिर से हमारी बीट रिपीट हो रही है। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट, और कट को लगाने के लिए सिंपली आपने नीचे आना है प्लेट के ऊपर, और यहाँ से आपने लगाना है कट, और आपकी सेम ट्रांजिशन यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। और मैं यहाँ से करता हूँ वीडियो को प्ले, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा सारे वीडियो क्लिप्स को, और फिर मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के बारे में कि जिसको आपको यूज करना है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर मैंने मीडियम वाले सीन्स को लगा दिया है, और यहाँ से मैं प्ले करूंगा वीडियो को ऑडियो के साथ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीन है वो डायरेक्टली शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐड करना जरूरी है। तो फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे सन फ्लेयर वाला इफेक्ट। तो सन फ्लेयर वाले इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि सन फ्लेयर वाला इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा VNF के अंदर, उसको आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने उसको कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाके आपने सर्च करना है ऑरेंज ग्रेडियंट वॉलपेपर, और ऑरेंज ग्रेडियंट वॉलपेपर को आपने वहां से करना है डाउनलोड, और डाउनलोड करके सिंपली आपने इंपोर्ट करना है VN ऐप के अंदर। अब जैसे कि मैं यहां पे चाहता हूं कि जो मेरा सीन है यहां पे, और यहां से मेरा
सन फ्लेयर वाला इफेक्ट स्टार्ट हो और यहाँ पे मेरा सन फ्लेयर वाला इफेक्ट खत्म हो जाए, लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है। और सबसे पहले आपने जाना है टैप टू ऐड स्टिकर के ऊपर और पीआईपी के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ से जाऊँगा स्टॉक्स के अंदर और फिर आपने जाना है फोटो के अंदर और इसको आपको लेके आना है सेलेक्ट करके अपनी टाइमलाइन के ऊपर, लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से इसको करना सेट और इसके ऊपर आपने करना क्लिक और क्लिक करके आपको इसको पूरा पूरा मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेट करने के लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसके ब्लेंडिंग मोड को और सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है इस वाली लेयर को, ऑरेंज वाली लेयर को। आपको जाना है यहाँ से नीचे और नीचे जाके आपको यहाँ से चूज करना है ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन और ब्लेंडिंग के अंदर आके और यहाँ से आपने चूज करना है स्क्रीन को, लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से आपने करना है इसको डन। सबसे पहले आपने ऐड करना है की फ्रेम को और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है की फ्रेम को, लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है। और फिर आपने नीचे आना पैस्टी के ऊपर और यहाँ से आपने करना है इसको जीरो, लाइक कुछ ऐसे करके। और फिर आपने आगे आना हल्का सा और हल्का सा आगे आके यहाँ पे आके आपने जाना है नीचे ओपेसिटी के ऊपर और ओपेसिटी के ऊपर आके आपको इसको यहाँ से करना है एटलीस्ट 80%, ठीक है, या फिर 85%। और फिर आपने यहाँ से आगे आना है और आगे आके यहाँ पे आके और फिर आपने जाना है नीचे ओपेसिटी के ऊपर और ओपेसिटी के अंदर जाके आपको इसको यहाँ से करना है जीरो के ऊपर, लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है, कि जिसकी वजह से आपका ये वाला वॉलपेपर एनिमेट हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में आके मैं प्ले करता हूँ वीडियो को शुरू से। और अब यहाँ पे जो मैंने वीडियो को शूट किया है ये किया 4K के ऊपर और 4K 60fps के ऊपर मैंने वीडियो को शूट किया है यहाँ पे। और अब आपने एंड में आना है, ठीक है। और जो ये वाला शॉट है, इस शॉट के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ खास मतलब कि लुक नहीं आ रहा है और मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है एक क्लोजर शॉट, मतलब कि डिटेल वाला शॉट। और डिटेल वाले शॉट को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको जूम करना पड़ेगा और 4K के ऊपर अपने क्लिप को शूट करने का यही फायदा होता है कि आप उसको जूम इन और जूम आउट करके एक अच्छा शॉट निकाल सकते हो। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक वीडियो के ऊपर और इसको मैं ऐसे करूँगा जूम, लाइक कुछ ऐसे करके, कि जिसकी वजह से हमारे पास आएगा आईज का क्लोजअप। और मैं ऐसे करूँगा प्ले। तो चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ सारे सीन्स को और फिर मैं आपको करूँगा एक्सप्लेन कि कैसे आपने वैरायटी के साथ एक परफेक्ट सिनेमैटिक सीक्वेंस बनाना है। और यहाँ पर मैंने कुछ और सीन्स को ऐड कर दिया और इन सारे के सारे सीन्स को मैंने सेम वैल्यू के ऊपर स्लो मोशन में कन्वर्ट किया है 0.7x के ऊपर। और मैं यहाँ से करता हूँ प्ले। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांजिशन को और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके आपने जाना है प्लस वाले साइन के ऊपर और यहाँ पे आपने करना है क्लिक और यहाँ से आपने चूज करना है डिसॉल्व 1 को और इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने नीचे आना है ड्यूरेशन के ऊपर और यहाँ से आपने करना है इसको सेट एटलीस्ट 9 सेकंड के ऊपर और यहाँ से आपने करना है इसको डन, ओके। और मैं यहाँ से करूँगा फिर से प्ले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीट्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट आ रही हैं, मतलब कि 1, 2, 3 मैं फिर से आपको सुनाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर आपने खेलना है बीट्स के साथ और सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है एक अच्छा वाला पार्ट अपने सीन का और यहाँ पे आके मैं सबसे लगाऊंगा कट को, तो मैं नीचे आऊँगा स्प्लिट के ऊपर और मैं यहाँ से लगाऊंगा कट, ओके। और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट और सबसे पहले मैं इस वाले क्लिप को कन्वर्ट करूंगा स्लो मोशन के अंदर और मैं आऊँगा नीचे स्पीड के ऊपर और स्पीड के अंदर जाके मैं जाऊंगा रेगुलर के अंदर और इसको मैं यहाँ से करूंगा सेट 0.5x के ऊपर, मतलब कि सुपर स्लो मोशन के अंदर। और मैं यहाँ से करूंगा सिंपली डन, ठीक है। और इस वीडियो को मैंने शूट किया हुआ है 4K के ऊपर और 4K की वजह से मैं इसको बड़ा छोटा
कर सकता हूँ इसके फ्रेम को और मेरी क्वालिटी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा वीडियो के ऊपर, और वीडियो के ऊपर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से करूँगा सेट लाइक कुछ ऐसे करके, ठीक है। और इतना पार्ट हम रखेंगे कि जिसकी वजह से हमें मिलेगा एक क्लोजअप शॉट, और मैं यहाँ से करता हूँ प्ले। और अब यहाँ पे हमारी बीट आ रही है और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट। तो कट को लगाने के लिए आपने जाना है नीचे स्प्लिट के ऊपर, ठीक है, और फिर आपने हल्का सा आगे आना है, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे करके। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कट को और सिंपली मैं जाऊंगा नीचे स्पीड के अंदर और मैं यहाँ से करूंगा इसको सेट एटलीस्ट 1.7x के ऊपर या फिर 1.6x के ऊपर। तो मैं यहाँ से करूंगा सिंपली इसको ओके और मैं यहाँ से करता हूँ वीडियो को प्ले। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ये वाला इफेक्ट बन जाएगा। और अब मैं सारे सीन्स को लगाऊंगा और फिर आपको मैं समझाऊंगा कैसे आपने कलर ग्रेडिंग करनी है और कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है। सो अब हम यहाँ पे करेंगे कलर ग्रेडिंग इस वीडियो के अंदर, और कलर ग्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और सबसे बढ़िया तरीका है कलर ग्रेडिंग करने का कि आपने डाउनलोड करना लट्स को, और जितनी आपके पास लट्स होंगी उतनी आपको आसानी होगी कलर ग्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि फोन के अंदर अभी उतना एडवांस सिस्टम नहीं है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से कलर ग्रेड कर पाए वीडियोस के अंदर। सबसे पहले मैं जाऊंगा नीचे फिल्टर के अंदर और मैं यहाँ से जाऊंगा एडजस्ट के अंदर, और एडजस्ट के अंदर आके तो मैं यहाँ पे आऊंगा ब्राइटनेस के अंदर और इसको मैं यहाँ से करूंगा एटलीस्ट -2, ओके। और वाइब्रेंस के अंदर आके और वाइब्रेंस को मैं करूंगा यहाँ से हल्का सा माइनस में -9, ओके। और फिर मैं जाऊंगा हल्का सा आगे और शार्पनेस के अंदर आके मैं इसको करूंगा यहाँ से एटलीस्ट +5, और फिर मैं जाऊंगा यहाँ से हाइलाइट्स के अंदर और हाइलाइट्स को मैं ऐसे करूंगा एटलीस्ट +7, और फिर मैं जाऊंगा शेडोज़ के अंदर और शेडोज़ के अंदर आके मैं ऐसे जाऊंगा इसको करूंगा एटलीस्ट प्लस 5, और फिर मैं जाऊंगा यहाँ से फिल्टर के अंदर और फिल्टर के अंदर आके मैं यहाँ से यूज़ करूंगा अपनी लट्स को कि जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और मैं यहाँ से चेक करूंगा कि कौन सी लट मेरी वीडियो को सूट कर रही है। और मैं यहाँ से जाऊंगा यहाँ पे और मुझे लगता है कि ये वाली जो लट है ये काफ़ी अच्छी लग रही है, पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़ लट नंबर 2, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से करूँगा सेट एटलीस्ट 75 के ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ से करूँगा अप्लाई टू ऑल और मैं यहाँ से करूँगा सिंपली इसको एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा एरो के ऊपर कि जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसके ऊपर आने करना क्लिक। और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते टाइम गलतियाँ करते हैं भर भर के कि वो चेक नहीं करते कि मेरा फ्रेम रेट क्या है और मैंने किस फ्रेम रेट के ऊपर और किस रेजोल्यूशन के ऊपर मैंने अपनी वीडियो को शूट किया है। और सबसे पहले मैं जाऊँगा रेजोल्यूशन के ऊपर, और रेजोल्यूशन के ऊपर आके इस वाले वीडियो क्लिप को मैंने शूट किया 4K के ऊपर, और फिर मैं जाऊँगा नीचे FPS के ऊपर मतलब कि फ्रेम रेट के ऊपर, और इसको मैंने शूट किया 60 FPS के ऊपर, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा 60, और फिर मैं जाऊंगा बिटरेट के अंदर, और बिटरेट के अंदर आके आपने यहाँ से सेट करना है एटलीस्ट 50 या फिर 70.1%, और मैं यहाँ से करूँगा सिंपली एक्सपोर्ट हमारी वीडियो को लाइक ऐसे। तो ये थी हमारी आज की कमाल की वीडियो कि कैसे आपने एडिट करना है सिनेमैटिक सीक्वेंस बिल्कुल फिल्म स्टाइल जैसे। आप ऐसी वाली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से, जस्ट आपने यूज़ करना है स्किल्स का और अपने दिमाग का। और अगर आपके अंदर पेशेंस हैं तभी आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप चाहते हो कि 1 सेकंड के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर या फिर 4 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर वीडियो एडिटर बनना, तो फिर आपके लिए ये लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा हार्डवर्क और पेशेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।